हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम, जहाँ पर ब्राजीलियन सीरियल लीग का मैच हो रहा है बोटाफोगो वर्सेस ग्रामियो के बीच। तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। देन बात करें अगर हम इस मैच की, बोटाफोगो एंड ग्रामियो में जो मैच हो रहा है, इसके अंदर मैं फेवर करूँगा ग्रामियो को। हालांकि बोटाफोगो टीम ने लास्ट मैच इनको हराया था और बोटाफोगो रैंकिंग के अंदर टॉप पे चल रही है स्टैंडिंग्स में। 48 गोल करें इन्होंने अभी तक पूरे सीजन में, अब ये 48 कहां तक जाते हैं इनका पता चलेगा। और ग्रामियो टीम चौथे नंबर पे है, जो फर्क तो है, और लास्ट मैच भी हार गई थी ग्रामियो, तो पता चलेगा कि क्या होता है। क्योंकि अभी बोटाफोगो की फॉर्म देखी जाए तो थोड़ी सी नीचे हुई है, थोड़ी सी, बट पॉइंट टेबल में कोई फर्क नहीं। तो बात करें स्ट्राइकिंग की, देखिए एल सोरेस की बात करूँ, एक मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जब किसी छोटी लीग में खेलता है तो उसमें उसका प्रदर्शन हाई लेवल का रहता है, क्योंकि ये एक बड़ी टीम का खिलाड़ी रह चुका है। इसने बार्सिलोना की तरफ से खेला है, इसने भाई ये अपना कौन सी टीम है यार, बड़े एटलेटिको मैड्रिड, वहाँ से खेला है इसने काफ़ी साल, उसके बाद ग्रामियो में खेल ही रहा है। तो मतलब एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस के साथ ये खिलाड़ी यहाँ पर उतरा है, ठीक है। यंगस्टर था जब, मेस्सी का बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत ज़्यादा अच्छा, और उसके बाद मतलब कोई ऐसा रिलेशन हर बड़े बड़े फुटबॉलर्स के साथ इसके बिल्कुल अच्छे हैं, क्योंकि खुद भी बहुत बड़ा फुटबॉलर रह चुका है, ऐसी बात नहीं, और अभी भी है, रिस्पेक्ट है भाई। आगे से बात करें यहाँ पर लेंगे टी सॉर्स को। टी सॉर्स की भाई वापसी एक ख़तरनाक तरीके से मैं सोच रहा था होगी, बट टी सॉर्स थोड़ा सा डाउन है, बट इस बात का फ़ायदा तो सामने वाली टीम उठा सकती है, तो टी सॉर्स का फॉर्म में आना जरूरी है। जे विक्टर शाह को मैं नहीं ले रहा, यू हैव टू गो विद जे पेड्रो, जोआओ पेड्रो गैल्वो, एक बड़ा खिलाड़ी और वापसी हो चुकी है इस खिलाड़ी की भी। एंड बात करें मिडफील्डिंग की, क्रिस्टाल्डो को यहाँ पर मैं लूँगा, क्रिस्टाल्डो को लो और एक खिलाड़ी और लो यहाँ से, जिसका नाम है गाइस मैथियस, ठीक है, मैथियस विलेसेंती एंड एफ क्रिस्टाल्डो, ये दोनों बहुत ज़्यादा मेन प्लेयर हैं जीआरएम टीम के, क्योंकि यहाँ पर क्लीन शीट वाले टीम मैं नहीं बना रहा, यहाँ पर मैं तीन डिफेंडर ही ले पाऊँगा इसी कारण। एंड जे सैंटोस की बात करें, सैंटोस बहुत अच्छी फॉर्म में है, और मिनेरियो के खिलाफ पिछले मैच में 2 गोल किए, उसके बाद बहुत अच्छी प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। एडवर्डो की बात करें, असिस्ट में खूब नाम है, रेयर गोल्स के लिए जाना जाता है, कभी कभी गोल करता है। और आगे से अगर बात करें डिफेंडिंग की, देखिए डिफेंडिंग के अंदर मैं लूँगा आर मैनुअल को, ठीक है, रिनाल्डो का बहुत नाम है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद एक जो मैं खिलाड़ी लेने वाला हूँ वो है जुआओ, ठीक है, ये मेरे 2 प्लेयर डन हो गए, ठीक है। आगे बात करें उनकी, तो यहाँ पर मैं लूँगा भाई ऑपोजिशन टीम का खिलाड़ी विक्टर क्वेस्टा, बहुत मेन है, नहीं खेलेगा तो फिर एल डी प्लेसिडो को लूँगा। अब आप देख लो किसको लेना है, अभी जो भी खेलेगा उसे। बात करें यहाँ पर गोल कीपिंग की, देन यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ बोटाफोगो का गोल कीपर, जो कि है लुकास पैरी, ठीक है। लुकास पैरी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरी डबल साइडेड टीम है, मैं किसी एक तरफ इतना ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं दे सकता। और जे पेड्रो अगर नहीं खेलता तो आप प्लीज़ बदल लीजिएगा, ये मैं आपको स्पेशल दे रहा हूँ राय। बात करें कप्तान की, देखिए मेरा कप्तान है एल सोरेस, वाइस कप्तान है टी सॉर्स, दोनों अपनी अपनी टीम के मेन खिलाड़ी हैं। कंपैरिजन नहीं कर रहा इनका, लेकिन मेरा काम है आपको खिलाड़ी के बारे में बताना, तो मैं, मेरा तरीका ऐसा ही है गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।